आपके कंधे पर भार तो है भाजपा को उस क्षेत्र में जिताना जहां पर उनके ही एक अंग ने अलग होकर जनाधार को खिसकाया। देखिए, उन्होंने तो एक पैरासाइट का काम किया था। मैंने 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, लेकिन ये उनका अहंकार बोलता है। उस भूमिका को भी आप कितनी सीटों पर कोशिश करेंगे कि आपने जिस पार्ट से मैं सहमत नहीं हूँ, जहाँ वो बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, राजनीति कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। भी चाहेंगे कि आपको इतनी कड़ी टक्कर दी जाए और ज्योति मिर्दा चुनाव नहीं जीत सकती ये दिखाया जाए, उनके ही बयान। तो प्रयास करते रहे, पहले अपनी जमीन सरक रही है उसको बचा ले। मेरा ख्याल वो बेहतर राजनीतिक वो होगा कि खुद का अगर छोटा मोटा वर्चस्व रह जाएगा तो फिर भी लड़ने के लिए किसी दिन। कांग्रेस आरएलपी गठबंधन के आप बीजेपी को तकड़ी चुनौती तो नहीं देगा? अभी तो अस्तित्व का खतरा है जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है, और चुनौती जैसी तो कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ के खास कार्यक्रम की। आज महत्वपूर्ण मेहमान है डॉक्टर ज्योति मिर्दा। राजस्थान में भाजपा इस वक्त कोशिश कर रही है कि हर एक उस पत्ते पर कदम और दाव लगाया जाए जो जीत की ओर लेकर जाए, ना केवल 2023 साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर भी बिसात की तैयारी है। ऐसे में वो महत्वपूर्ण चेहरे जो राजस्थान की राजनीति और देश के मिजाज को बदलेंगे, उन पर भाजपा लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि ज्योति मिर्दा ने अपनी ताकत का एहसास पार्टी के भीतर कराया है, आरएलपी के बड़ी संख्या में लोगों को भाजपा में लाकर। और उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि सत्ता में जब चेहरे गिने जाएंगे, उनके मजबूती के काम गिने जाएंगे, तो तमाम उन दावों पर बात होगी जिनके आधार पर सियासत रची गई है। ज्योति जी, राजस्थान चौक पर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। राजनीति की जब बात होती है तो चाहे इतिहास हो या वर्तमान, मिर्दा परिवार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो चाहे पार्टी के इतर हो या जनता के बीच। अब सुर्खियों में आप बनी हुई हैं। ये सुर्खियां इसीलिए भी हैं क्योंकि भाजपा देश भर में चाहती है कि एक ऐसा मजबूत जातिगत आधार पर भी जांट चेहरा रहे, और साथ ही जिस तरीके से संसद में कानून लाया गया तो एक महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर भी आपको देखा जा रहा है, यानी दोनों कॉम्बिनेशन आप में सटीक बैठ रहे हैं। कैसे अपनी इस नई भूमिका को आप भाजपा में एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी तब तक वेमेंस रिजर्वेशन बिल नहीं आया था, तो ये भाजपा का शायद उससे पहले का प्लान था। उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मुझसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का आग्रह किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने बड़े टाइमली एक अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि अब मुझे महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्लान्ड वे में इस राष्ट्र निर्माण को बड़ा सीरियसली लेते हुए हर एक कानून जो लेकर के आ रही है, या हर एक जो कदम, जैसा आपने बताया कि भाई जो है वो देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उस ओर अग्रसर है। तो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे पूरे राजस्थान के लेवल पे हो, वो आज बड़े प्लान्ड वे में काम कर रही है, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनके माइंड में एक सेट स्कीम है और उसके अनुरूप जो काम चल रहा है, हर एक स्टेप उस ओर है। जिम्मेदारी आपको बड़ी दे दी गई है, भले ही आपको एहसास नहीं हो रहा हो, लेकिन आपके कंधे पर भार तो है भाजपा को उस क्षेत्र में जिताना जहां पर उनके ही एक अंग ने अलग होकर जनाधार को खिसकाया। देखिए, उन्होंने तो एक पैरासाइट का काम किया था। जब उन्होंने भाजपा के साथ में गठबंधन किया था तो वो कहते तो हैं कि मैंने 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, लेकिन ये उनका अहंकार बोलता है। और सभी लोग जानते हैं, वो अक्सर ये चीज़ भी बोला करते हैं कि उन्होंने हमें दो चुनाव हराए, तो जो पहला चुनाव था उसमें वो निर्दलीय खड़े हुए थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी, उसको हराना कैसे बोलते हैं ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है, और जब कभी आप उनसे रूबरू हो तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। और सेकेंड टाइम जब 2019 में भी मोदी लहर थी, वो खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं कि मेरे पास में इतने वोट नहीं थे और एक पुराने राजनीतिक परिवार से मेरी रंजिश थी और मुझे उसको हराने के लिए कुछ और वोटों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन किया था। तो वो एक उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, और उनका कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि दूसरे कोई किसान परिपेक्ष के या कोई ऐसे मतलब जाटों के जो जातिगत समीकरण जो है, वो उनको लगता था कि कहीं पे भी किसी भी नेता को नहीं उभरने दिया जाए, और जो मैं चाहे किसी भी तरीके से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे बीजेपी के साथ, चाहे कांग्रेस के साथ में, मतलब अपना कोई ना कोई सेटिंग टाइप की करके और अपना काम चलाता रहूँ।
तो वो कहते हैं कि एक समय आता है जिसके बाद में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं पहचाना कि उनकी क्या स्कीम थी। एक सौम्य चेहरा आपका है, दूसरी तरफ एक तरीके से हमेशा राजनीतिक आरोप लगते हैं कि उपद्रवी चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है, और कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का जो जोश और जो पूरा माहौल है वो उस राजनीति में देखा जाता है। उस भूमिका को भी आप कितनी सीटों पर कोशिश करेंगे कि आप निभाएं? देखिए, उनकी राजनीति जो है वो बड़े अलग तरीके की राजनीति है, जिस पार्ट से मैं सहमत नहीं हूँ, जहाँ वो बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। राजनीति कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, राजनीतिक लड़ाइयाँ होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, आप चुनाव लड़ते हो, लेकिन वो कोई दुश्मनियाँ नहीं होती। उनकी राजनीति कहीं ना कहीं जा कर के इस तरीके की हो गई है कि वो बड़े ही अग्रेसिवली जो हमारे बड़े नेता रहे हैं उन लोगों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, या जो महिलाएं रही हैं आप उनके खिलाफ बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर, अगर राजनीति में आप रह रहे हो, पब्लिक लाइफ के अंदर इस तरीके की भाषा का प्रयोग ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि अब उनको एक्सपोज हो गए हैं, और आज उसी का नतीजा है कि हमारे खींवसर के जो दोनों प्रधान हैं, दोनों महिलाएं हैं, और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। नागौर से आप भी चेहरा हैं, चुनौती तो पूरी है, वो भी चाहेंगे कि आपको इतनी कड़ी टक्कर दी जाए और ज्योति मिर्दा चुनाव नहीं जीत सकती ये दिखाया जाए, उनके ही बयान। वो प्रयास करते रहें, पहले अपनी ज़मीन सरक रही है उसको बचा लें, मेरा ख्याल वो बेहतर राजनीतिक वो होगा कि खुद का अगर छोटा मोटा वर्चस्व रह जाएगा तो फिर भी लड़ने के लिए किसी दिन सामान बचेगा। आज की तो परिस्थितियाँ हैं, RLP के इतने लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनको खुद को एहसास तो हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले टाइम में वो फिर से एक कोशिश, एक लास्ट डिच एफर्ट और मानेंगे कांग्रेस के साथ में किसी तरीके की सेटिंग करके, और मैं चुनाव लड़ लूँ, इस प्रकार का कुछ ना कुछ अब जल्दी सुनेंगे। एक सवाल मेरा था भी, क्योंकि अक्सर जब चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले बड़ी संख्या में वर्क ऑर्डर जारी हुए तो पूरे राजस्थान में ये फैला कि सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है, आप भी मानते? देखिए, सरकार उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप में पहले एक ठगबंधन टाइप का बनाने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो धारणा है उसके अंदर खोट नज़र आती है। वो इसलिए नज़र आती है कि उन्हीं के खुद के क्षेत्र के जो प्रधान रहे हैं, पंचायत समिति मुंडवा स्पेशली मैं बोलूँगी, वहाँ के सारे सरपंच हैं, उनका पेमेंट जो है वो आज तक रुका हुआ है। अगर उनकी इतनी चल रही थी और सरकार अगर उनकी इतनी मान रही थी, तो उनको सबसे पहले वो जो सारे सरपंच हैं जिनका पेमेंट बाकी, उनको वो करवाना चाहिए था कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो गाँव के अंदर जो फ़ायदा है वो सरपंच ही पहुँचा सकता है उसका लाभ। तो ये राजनीतिक तौर पर इन चीज़ों को काम में लेते हैं, वो पत्थर कुर्सियों पर रख करके और उनका उद्घाटन कर देने से को, या नींव का पत्थर रख देने से, उसका शिलान्यास कर देने से सड़कें नहीं बन जाती। कांग्रेस RLP गठबंधन क्या BJP को तकड़ी चुनौती तो नहीं देगा? अभी तो अस्तित्व का खतरा है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, और चुनौती जैसी तो कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही। कांग्रेस BJP अपनी अपनी लिस्ट निकाल चुकी है, दो लिस्ट निकाल चुकी है। RLP ने अभी तक अपना एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो 200 लिस्टों के बाद में जो बच जाएंगे उनको कैसे मैं लपक लपक करके और RLP से उनको कैंडिडेट बना सकूं। आप भी 2024 का चेहरा मानी जा रही थी जब आपने ज्वाइन किया, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आपकी पुरानी भूमिकाएं देख लें या अवसर की बात देख लें, वो सीट भी खाली हो गई थी भाजपा के लिहाज से, लेकिन आपको अभी इसी चुनाव में सामने लेकर आए हैं नागौर से। आपको उम्मीद थी या कोई ऐसी शर्त भी थी कि हाँ भाई मुझे विधानसभा? नहीं, मैंने बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, और मुझे खुद को भी ये आइडिया नहीं था कि शायद विधानसभा लड़वाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि पार्टी ने इतना मौका दिया, एकदम से आते के साथ ही उन्होंने डिसाइड किया कि चुनाव लड़ना चाहिए और विधानसभा में उतार दिया। तो उस चैलेंज को हम लेंगे, और 2023 के अंदर जो है वो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस ने पूरी तरीके से जाट राजनीति पर, जाट मतदाताओं पर और जाति वर्ग पर फोकस रखा है, उनके सभी फैसले इस ओर दिखाते हैं, चाहे RPSC का भी फैसला क्यों ना हो, और ये थोड़ा सा उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस पूरे मसले में जब राजनीति बिगड़ी तो उन्होंने कहा कि हम इस टिकट संख्या में, अभी जो टिकटें आई उनके लिहाज से भी और बाकी आगे आने वाली में भी, और कई ऐसे छत्रप हैं जहाँ पर वो दाव खेल रहे हैं कि ये पूरा जाति वर्ग हमें किसान मानते हुए वोट दे। इस बीच में एक बड़ी चुनौती आपके पास भी है कि भाजपा की तरफ उन्हें ले जाया जाए, इस चुनौती को पूरा करने के लिए, और खुद ज्योति मिर्दा BJP में आई है, उनका कोई अस्तित्व है, वजूद है, उसे साबित करने के लिए विधानसभा चुनाव में ही परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, कोई ऐसा प्लान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के और लोगों का जनरली बढ़ रहा है,
तो इसमें मुझे नहीं लगता, अब मैं पार्टी की एक सदस्य बनी हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो अच्छे लोग हैं उनको ला करके पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाएं और कुनबा बढ़ाएं और मतलब भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर सीटें आए, ये तो हमारा सबका प्रयास रहेगा ही। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई जातिगत बात है, लेकिन ये अपने अपने चुनावी पैतरे भी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, कि जो वो पैतरा खेल रहे हैं, समय भी गड़बड़ चल रहा है शायद, क्योंकि जो पैतरा वो खेलना चाह रहे थे वो उल्टा पड़ गया। तो लोग अब समझते हैं, लोगों को जनरली आइडिया होता है कि कौन क्या गेम करना चाह रहा है बैकड्रॉप के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वोटर बहुत स्मार्ट है, वो समझते हैं कि क्या चल क्या रहा है उनको, मतलब हम उनको अन इंटेलिजेंट क्रीचर्स मान के काम नहीं चला सकते। चलते चलते ये भी बता दीजिए कब नामांकन दाखिल करेंगे? वो मुहूर्त निकलवा करके और वो सारा वो है, पर कल मैं नागौर जरूर पहली बार जा रही हूँ टिकट मिलने के बाद। अंतिम अपील हम लेते हैं हमेशा, ये राजस्थान चौक ने दायित्व लिया है इस कार्यक्रम के लिए कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी अपील की जाए एक एक शख्सियत के तौर पे, एक नेता के तौर पर। तो उन तमाम हमारे दर्शकों के लिए, राजस्थान के उन मतदाताओं के लिए एक अपील, ताकि मताधिकार जो उन्हें संविधान ने दिया है उसका उपयोग। बिल्कुल, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा करके पोलिंग वाले दिन अपना वोट कास्ट करें, और ये एक ऐसा अधिकार है हमारा जो मतलब चाहे गरीब हो, अमीर हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, महिला हो, आदमी हो, उनको सबको एक बराबर का अधिकार दिया गया है। और ये एक वोट की जो शक्ति होती है, इससे हम सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं, इससे हमारा जीवन चेंज हो सकता है, इससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो इसका ज़रूर ज़रूर उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मतदान का जो है 25 तारीख को आने वाले नवंबर में जब वोटिंग हो, तब आप लोग सभी फ्री रह करके पहले मतदान करें और उसके बाद अपने कोई और काम करने जाएं। थैंक यू सो मच ज्योति मिर्दा जी जुड़ने के लिए। तो राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज की मेहमान थी डॉक्टर ज्योति मिर्दा। राजस्थान की जाट राजनीति में एक तुरुप का पत्ता भाजपा ने खेला है, इन्हें कांग्रेस से भाजपा में लाकर, और आरएलपी के कुछ सदस्यों को इन्होंने एंट्री बीजेपी में करवाई है। तो राजनीतिक बिसातों पर हर एक मोहरा बेहद कीमती है। 2023 में भाजपा की ओर से नागौर से दावेदार भी हैं, तो चुनावी लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान चौक के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को आप फॉलो करते रहिए और तमाम ताज़ा तरीन खबरों पर निगाह बनाते रहिए। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये भी बताने की जिम्मेदारी आपकी है, तो कमेंट बॉक्स में स्वागत रहेगा। और अगला इंटरव्यू किससे किया जाए ये भी आप बताइएगा, ताकि उस व्यक्ति तक राजस्थान चौक की टीम पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।